यूपी के प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब दुर्गा पूजा पंडाल में दो युवक लाइट जोड़ रहे थे। इस दौरान दोनों युवकों को करंट लग गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगे और मौके पर ही मौत हो गई। इन दोनों मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। पंडाल के लिए अपना दुर्गा के लिए लाउड स्पीकर लगा रहे थे तो वहीं 11,000 केवी की लाइन की चपेट में आके उनके साथ दुर्घटना हुई है। बाकी पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और डेड बॉडी गई पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद आगे की जो आर्थिक मदद है वो की जाएगी और बाकी जो है पुलिस की जांच में जुटी हुई है जो दोषी होगा उसके खिलाफ। इस साल प्रयागराज के करछना के इस गांव में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा समारोह आयोजित हुआ करता था। इस साल भी पूजा पंडाल लगाया गया। पंडाल में लाइट लगाने का काम चल रहा था। इस बार पंडाल की सजावट और लाइट और साउंड लगाने का काम प्रयागराज के करछना बराव गांव के रहने वाले राहुल और शिवम कर रहे थे। पंडाल में लाइट और साउंड लगाने के बाद उसका कनेक्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों युवक करंट की जद में आ गए जिसमें दोनों की मौत हो गई। दो युवकों की मौत के बाद पूजा समारोह को लेकर खुशियों का माहौल था, वहां पर चंद मिनटों में मातम में बदल गया। इन दो मौतों के बाद ग्रामीणों ने चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर हटाया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज के गांव में दोनों मृतक युवकों के घर में रोना पिटना मच गया तो वहीं राज केसरवानी के तहरीर पर दुर्गा पूजा आयोजक दिनेश केसरवानी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों और ग्रामीणों ने हर साल आयोजित होने वाले दुर्गा पूजा समारोह में स्थगित कर दिया है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।